नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी व सभी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई और झूठे वादों के खिलाफ सड़कों पर उतर कर तीव्र विरोध प्रदर्शन किया। विधायिका विद्या चौहान के नेतृत्व में मलाड़ अप्पापाड़ा से डिंडोसी पेट्रोल पंप तक साइकिल मोर्चा निकाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध प्रदर्शन किया। अरे हम लोग मोदी जी का जन्मदिन ही मना रहे हैं ना, क्योंकि हमको ये दिन अच्छे दिन नरेंद्र मोदी जी ने लाए हैं, जिन्होंने पूरे देश को सपना दिखाया था अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अच्छे दिन किसके आए हैं? अदानी अंबानी जी के आए, गरीब आम जनता के नहीं आए। पेट्रोल डीजल के भाव हर दिन बढ़ रहे, तो कैसे हम लोग जिएंगे? महंगाई बढ़ रही है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के दाम $100 से कम हुए, तो यहाँ 25-30 रुपये पेट्रोल मिलना चाहिए, आज 80 रुपये मिल रहा है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारी महंगाई बढ़ती है, ये मोदी को अच्छी तरह से मालूम है। बुलेट ट्रेन हम लोगों को नहीं चाहिए। बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि लोकल ट्रेन से हम लोग ट्रैवल करते हैं। लोकल ट्रेन में रोज़ 30-15 लोग मर रहे हैं, 15 लोग अपना हाथ पैर गंवा रहे हैं। तो हमारी लोकल ट्रेन अच्छी होनी चाहिए। किसके लिए बुलेट ट्रेन है? किसान मर रहा है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है? बुलेट ट्रेन के लिए पैसे है। आप कहते हैं कि जापान वाला देगा, जापान वाले पैसे नहीं देने वाले, उनका पैसा हमें चुकता करना पड़ा, कर्जा दे रहा है जापान हमें। बुलेट ट्रेन, जब लोकल ट्रेन अच्छी हो गई उसके बाद बुलेट ट्रेन बनाए। पहले लोकल ट्रेन अच्छी कीजिए, बाद में बुलेट ट्रेन अच्छी कीजिए। और हमको ये कहना है कि ये महंगाई कम करने का है तो डीजल पेट्रोल के दाम कम करने होंगे। अच्छे दिन नहीं है, मोदी जी ने बुरे दिन लोगों के लिए लाए हैं। और हम लोग पूरा मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, पूरे मुंबई में रहने वाले, देश में रहने वाले लोग आज परेशान हैं। इसलिए हम लोग मोदी जी को कहते हैं कि आप कुर्सी से उतर जाइए, आपको अगर नहीं होता है तो। ये जो है महंगाई हम लोग नहीं सहेंगे। गैस के भाव बढ़ रहे, बच्चे आज स्कूल में सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये मोदी सरकार कैसी है? तो इसके होश में आने के लिए हम लोगों ने आज पेट्रोल महंगा हो गया, बुलेट पे से साइकिल पे आना पड़ा, और क्या। ये देश में अगर मोदी सरकार और दस साल उनका कहना है 2022 तक हम लोग काम करेंगे, और 10 साल रही तो मेरे को लगता नहीं साइकिल भी गायब हो जाएगी। लोगों का पैदल चलने के लिए रास्ते भी ठीक नहीं है। हकीकत में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विरोध में रोड पे उतरने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा किया है। ये नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और ये जन्मदिन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये जन्मदिन मनाने का काम फिलहाल निषेध करके उसका जन्मदिन हम मना रहे हैं। और हम भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं, गरीब जनता, भारत देश की गरीब जनता ये निषेध उसका जन्मदिन मनाने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन लोग दिखाते नहीं हैं, उनको लोग डरते हैं, अमित शाह को लोग डरते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर डरते रहेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता किसी को डरने वाले नहीं है, हमारा कोई ऐसा कांड नहीं है जो उनको डरे। ये डर आज शिवसेना उद्धव जी ठाकरे इतना होने के बाद भी आज शिवसेना के इधर उसका रोल क्या है? 0 रोल है, कुछ बोलते ही नहीं है, वो बंगले से बाहर ही नहीं आते। तो उसका मतलब ये है कि वो उद्धव जी ठाकरे को ईडी का धमकी दिखाया है, उसके वजह से उद्धव ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते नहीं है। आज उसका निषेध करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी महाराष्ट्र में, पूरी मुंबई में आदरणीय सचिन भाऊ विद्याताई इनके नेतृत्व में हम रोड में उतरने का काम फिलहाल हम कर रहे हैं। मोदी सरकार।